हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। चलो शाहजी, बुलावा आ गया, उठो उठो, टाइम हो गया, उठो उठो आओ। सर जी, सर कैदी हाजिर है। सर ब्रह्मदत्त, ये कैदी का लिबास उतार कर शरीफों वाले कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस जलसे में तुम जा रहे हो और तुम्हें इनाम मिलने वाला है, वहां शहर के बड़े बड़े मुअज्जिज लोग आने वाले हैं, और उन लोगों के दरमियान तुम्हें भी एक इज्जतदार इंसान बनकर शामिल होना है। पहन लो। किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। ये तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है? ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है इस समाज से कि वो लोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से, और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे। आभारी हूं मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे एक ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई वर्षों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता ना होती तो यकीनन मैं भी ना होता, और अगर मैं ना होता तो यकीनन
ये किताब भी न होती। धन्यवाद। दोस्तों, इस जलसे के मुअज्जिज़ मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी। आइए आइए। तेरे हाथों में ये नाम लूंगा, नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकता सर, नामुमकिन। मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट, मिस्टर इंद्रजीत से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्यों बताइए? Have a drink. No, thank you. पीते नहीं? पीऊंगा, मगर जिंदगी में कामयाबी के कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर पीऊंगा। ओह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की बात है। सुजाता बहन, तब तक के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो बेटी, चलो मेरे साथ। तो आजकल रोजी रोटी का क्या मसला है मिस्टर इंद्रजीत? सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है, और वैसे लक्ष्मी चिटफंड में 3 साल तक मैं एरिया मैनेजर रहा हूँ। लक्ष्मी चिटफंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चला था ना, अखबारों में भी छपा था, मैंने पढ़ा था कि वो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर, वो एमडी तो बड़ा चलता पुरजा आदमी था, फ्रॉड के सारे सबूत तो गायब कर दिए उसने, वो खुद तो बच निकला, और वो चेयरमैन बेचारा सीधा आदमी था, वो अंदर हो गया। सब नगर नारायण की करामाते हैं साहब। आप तो जानते हैं। जानता हूं, लेकिन ऐसे मामलात को मैं जायज नहीं समझता। आपका क्या ख्याल है? जायज और नाजायज की परवाह आजकल के जमाने में कौन करता है? प्रिंसिपल, उसूल, ये सब वर्ड्स हैं, कोई मायने नहीं रखते साहब। इनफैक्ट कामयाबी की ऊंचाई वही सबकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग लाशों पर भी पांव रखकर ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं सर। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड सर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना साहब? साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता मिस्टर इंद्रजीत कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालात जान गया। आप जा सकते हैं। गुड बाय मिस्टर इंद्रजीत। गुड बाय सर। अरे ये क्या, कहाँ चल दिया वो लड़का? हाँ, चाय पिए बिना ही? हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया। पर हुआ क्या, आपने भी उन्हें रोका नहीं? डैडी, उसे इस काबिल नहीं समझा। क्या देखा उस शख्स में तुमने, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, बस बुलंदियों को छूने का एक जुनून है उसमें। छोरा बेअदब, हरगिज वो तुम्हारे लायक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए डैडी, मैंने इंद्रजीत को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। वो फैसला तुमको बदलना होगा। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला, बदलना है तो आप अपने पुराने ख्यालात बदलिए। मैं इंद्रजीत से मोहब्बत करती हूँ,
वो मुझसे मोहब्बत करता है और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। पापा अपनी जबान को लगाम दो सोनू। बकवास बंद कर ले। बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। पापा अपनी राय के सिवाय आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवा। आप धनवान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन मेरी किस्मत के मालिक आप नहीं इंद्रजीत है, जिसे दिल से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। हाँ बेटे। सोनू यार, ब्रह्मदत्त ये क्या हिमाकत है, जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने। तुमने उसकी बातें सुनी? ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उम्र का तकाजा था। अगर औलाद अपनी माँ बाप से देखते हुए अंगारे मांगे तो क्या माँ बाप उनकी झोली में वही अंगारे भर दे? तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो। मुझे तो वो लड़का काफी समझदार और अपनी सोनू के काबिल लगा। भाई सुनिए सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया, सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूँ, नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए, मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सोनू, देखो मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई बेटी, गुस्से में मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सोनू सोनू आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही बेटी है मेरी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ब्रह्मदत्त, घबराता क्यों, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक ही है, बस थोड़ा सा पल्स रेट और बीपी हाई है। बिटिया को ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे पर कह तो रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अरे नर्सिंग होम से वापस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम करते हैं हम। हाँ Now.